के अंदर क्या हो रहा वो भी अब आपको दिखाते हैं। बाहर का नजारा तो देखा आपने कि कैसे सड़कों पर आंदोलन हो रहा है। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है अंदर में। होली की छुट्टी के बाद शुरू हुए सत्र में प्रश्नकाल में जनहित के कई मुद्दों की गुंज भी सुनाई दी। सदन में जब शुरुआत हुई तो कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायक वेल में जा पहुंचे। विधायक अवैध खनन के मामले को लेकर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करने लगे। स्पीकर के समझाने के बाद बीजेपी विधायक अपने अपने सीट पर वापस लौटे। सीपी सिंह ने कमल का सिंबल लगा टोपी पहना हुआ था और वो पहन के सदन में आए थे। सत्ता पक्ष ने इसका विरोध किया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि ये सदन की गरिमा के प्रतिकूल है। इसके बाद सीपी सिंह ने टोपी हटा दी। सरू राय ने मैनहट में दोषी पर कार्रवाई का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसी भी जांच के बाद दोषी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर लोक सेवक अपने पक्ष नहीं दे रहा है तो सरकार क्या कर रही है? जांच तो अनंत काल तक चलते रहेगी फिर तो, और रुकनी नहीं चाहिए। जवाब में प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि मैनहट घोटाले की जांच चल रही है। इस घोटाले में एक नहीं कई लोग शामिल है। अब तक ब्यूरो के पास 2 से 3 लोगों का ही जवाब आ पाया है, बाकी का नहीं पहुंचा है। वृंच नारायण ने इस दौरान झारखंड लोक सेवा परिदान आयोग के गठन का मामला उठाया। लंबोदर महतो ने राज्य में 2004 की पेंशन योजना लागू करने का मामला उठाया और मांग की कि छत्तीसगढ़ राजस्थान के तर्ज पर पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। इधर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य में अभी राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू है। 1 जनवरी 2004 के प्रभाव से केंद्र सरकार की सेवा में आने वाले सभी नए कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है। खराब है देश महोदय, हमारे पार्षद रांची नगर निगम के पार्षद अशोक यादव पर हमला हुआ सुखदेव नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत, और आज भी हमलावार घूम रहे हैं। नेम्ड FIR करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी तरफ ये सरकार कहती है हम आदिवासी हितों की बात करते हैं। एक पार्षद है दीपक लोहरा, आदिवासी है देश महोदय, और उसकी थोड़ा सा गुना निकाल कर उसको बर्खास्त करने का काम ये नगर विकास विभाग ने किया है अध्यक्ष महोदय। तो पूरे शहर के अंदर लैंड ऑर्डर की स्थिति यह है कि अशोक नगर जैसे पौष इलाके में एक 70 वर्षीय महिला की चाकू से गोद गोद कर हत्या कर दी है अध्यक्ष महोदय। कहाँ कहाँ का ये सारे अखबारों में मैंने सारे अखबार में सारी चीजें छपी है अध्यक्ष महोदय। कंडिका एक में मैंने कहा है, पूछा है महोदय कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से सरकार जांच में प्रगति का माहवारी परियोजन लेती है। महोदय जवाब सरकार का है कि समय समय पर लिया जाता है। महोदय मैंने आसन के समक्ष एक परिपत्र भिजवाया है जिसमें स्पष्ट है कि माहवारी प्रतिदिन लिया जाता है। और दूसरे में कंडिका दो मैंने साफ पूछा है महोदय कि अभियुक्त संख्या एक ने ब्यूरो की पीछा का जवाब दाखिल कर दिया है। सरकार ये नहीं बता रही है, बता दिए कि लोक सेवकों का पक्ष जानने के लिए जांच प्रक्रिया दी है। तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर तो महोदय स्पष्ट दिया नहीं इन्होंने। अगर लोक सेवक अपना पक्ष नहीं दे रहे हैं, साल भर से ज्यादा समय हो गया, तो कितने लोक सेवकों से इन्होंने पूछा है, उन्होंने क्या जवाब दिया है, वो क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? और कोई लोक सेवक जवाब नहीं देगा महोदय, इसके लिए जांच तो अनंत काल तक रुकी नहीं रहेगी महोदय। सरकार को स्पष्ट बताना चाहिए, मेरे कंडिका 1, 2, 3 में जो प्रश्न मैंने किया उसका स्पष्ट उत्तर सरकार को देना चाहिए महोदय। सरकार ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया इसमें। आई बाग में दर्जी माला है सर, अब संक्षेप में बहुत अति महत्वपूर्ण सूचना है सर। दर्जी माला सर शाम का समय था, अल्पसंख्यक भाई लोग नमाज पढ़ के निकल रहे थे, तो उस समय महोदय 3 मोटरसाइकिल से कुछ लोग आते हैं और सर उस पर छेड़छाड़ करते हैं और उनका टोपी छीन लेते हैं महोदय। उसके बाद सर वो लोग जाते हैं, अगर विरोध होता है टोपी क्यों उतार दिया भाई, तो विरोध होता है। उसके बाद सर मैं एक बार रुके सर, उसके बाद सर सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और अल्पसंख्यक को वहां गाली देते हैं सर। तो कहने का मतलब ये सर, जो आग लगाता है उस पर कार्रवाई होगा कि जलने वाले पे कार्रवाई होगा महोदय? तो मैं ये कहना चाहता हूँ महोदय, जो लोग इस तरह का आतंक फैला रहे हैं सर, कड़े से कड़ी कार्रवाई होगा। बाद में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।